जी मेरा नाम सैयद मुश्ताक शाह और मैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम इंचार्ज हूँ 1122 शेखपुरा में। जी ये हमें सुपहर 1:33 के ऊपर कॉल मौसूल हुई कि जात्री रोड सच्चा सौदा के पास एक ट्रेन जो है वो उसने हिट किया है वैन को, मुसाफिरों से बड़ी बड़ी वैन थी। तो हमने 16 मिनट के ऊपर हमने रिस्पॉन्स किया, जब वहाँ रिस्पॉन्ड किया तो देखा कि एक वैन है जो ट्रेन से हिट हुई है। ये बुनियादी तौर पे कुछ इसमें पेशावर से रहने वाली सिख कम्युनिटी के लोग थे जो यहाँ पे ननकाना साहब में किसी फौतगी के ऊपर वो आए थे, उसके बाद ये वापस जा रहे थे। तो वापस जाते हुए जहाँ पे गुरुद्वारा सच्चा सौदा है उससे करीब ही एक फाटक है, उस फाटक से के साथ एक वैसे रास्ता बना हुआ है कि अगर फाटक क्लोज हो तो वो लोग वहाँ से गुजरते हैं। तो उन्होंने ड्राइवर ने वो फाटक वाली जगह छोड़ के वो जो दूसरा साथ में रास्ता बना हुआ था उस साइड से टर्न लेने की कोशिश की है कि वो जल्दी निकल जाए, और वहाँ पे वो स्टक हो गई है उनकी वैन। उसके बाद ट्रेन जो है ये लाहौर से फैसलाबाद जा रही थी तो इसने उनको हिट किया। इसके बाद जो है वहाँ पर एट द स्पॉट 19 लोग जो हैं वो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली 8 लोगों को हमने वहाँ से शिफ्ट किया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शेखपुरा में, और 2 लोगों को हमने वहाँ पे फर्स्ट एड दी। उसके बाद फिर वो जो 8 लोग शिफ्टेड थे उनमें से मजीद 3 लोगों की, एक की DHQ में शेखपुरा में डेथ होगी, एक जब हम उसको रेफ़र कर रहे थे तो रस्ते में, और एक की लाहौर जनरल हॉस्पिटल में जाके डेथ होगी। तो इस तरह से टोटल ये 22 कैजुअलिटीज़ थी मौके के ऊपर। हमारा वहाँ पर मोर दैन 50 रेस्क्यूअर्स वहाँ पर थे, हमारी एम्बुलेंसेस जो हैं वो वहाँ पर तकरीबन हमारी 10 व्हीकल्स ये थी, इसके अलावा रिकवरी व्हीकल और फायर व्हीकल थी, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एमएनसी ऑफिसर हैं राणा एजाज साहब वो सुपरवाइज कर रहे थे, ओवरऑल कमांड का DC शेखपुरा वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने उनकी भी ये सुपरविजन थी इसके ऊपर। और हमारे रेस्क्यूअर्स ने इसको तकरीबन ये 1:30 से ले के तो 6 तक तकरीबन जो है ये इस बॉडीज़ मैनेजमेंट और पेशेंट मैनेजमेंट में हम रहे, और ये रात 2 तक तकरीबन हम इंगेज रही है हमारी टीम इन पेशेंट्स के साथ और इनकी बॉडीज़ के साथ। जैसे आपको पता है कि मतलब कुछ महीने 2 पहले कोरोना वायरस काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उस टाइम पे कुछ फौतगियाँ हुई थी यहाँ पर ननकाना शहर में, तो उन फौतगियों के लिए दुआ के लिए ये लोग आ रहे थे, ये हमारी पूरी फैमिली, तो दुआ किए वापस मतलब सच्चे सौदे जा रहे थे दर्शन के लिए, तो वहाँ पर फाटक में ये गाड़ी फंस गई है। जैसी गाड़ी फंसी वहाँ से ट्रेन आ गई, ट्रेन की जद में गाड़ी आ गई, तो ये एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी सारे हमारे रिश्तेदार फौत हो गए अभी इसमें। कितने रिश्तेदार अजीज फौत हुए हैं और इस टाइम लोग कितने जख्मी हैं? इस टाइम पे जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है तो क्योंकि काफ़ी सारे CMH लाहौर में थे कल, और 19 लोगों की डेथ्स हुई है, और बाकी जो 6 हैं वो उनकी कंडीशन भी बस थोड़ी बेहतर है फ़िलहाल अभी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ ऑल 1122 का, उसके बाद जो जितनी भी सरकारी ऑफिसरान हैं, AC हो गया, DC हो गया, यहाँ के जितनी भी मतलब ऑफिसर्स हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जिस तेज़ी के साथ मतलब हमारे लिए ये सर्विस की है, तो मैं बहुत इनसे मुतमईन हुआ हूँ। मतलब ये जो 6 हमारे बच्चे भी हैं, तो जिस तरह से कल आपने देखा है कि गाड़ी की जो हालत हुई है, हमने तो इसका भी वो नहीं किया था कि ये बचेंगे, बस ये तेज़ी की वजह से मतलब उन्होंने डायरेक्टली वक्त पर वक्त जो सर्विस थी हमें दी, और हमारे जो रिलेटिव्स थे जिनकी बस खुदा ने लिखी थी वो तो चले गए हैं, और जिन्होंने बचना था वो बच गए हैं।